सो दोस्तों, यहाँ नोट 7 प्रो को इंडिया में लॉन्च हुए एक महीने से ज़्यादा हो गया है और ऑलमोस्ट एक महीने से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस। यानी जब मैंने इसको ख़रीदा था उसके बाद से यही मेरा प्राइमरी डिवाइस है, तो मैंने एक महीने से ज़्यादा यूज़ किया है। तो मुझे कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स ऑब्वियसली इस फ़ोन में नोटिस हुए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप नोट 7 प्रो का लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक या डेढ़ महीना यूज़ करने के बाद इस फ़ोन का कैसा रिव्यू रहता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग यू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो गाइज, हम बात करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। फ्रंट में आपको पता है इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलती है और IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो बहुत अच्छी डिस्प्ले है। ऑल्दो आपको बेजल्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपके लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। सबसे अच्छी बात है इसका बैक डिज़ाइन। बैक डिज़ाइन ग्लासी फिनिश के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन बैक में भी दिखती है, और जो होल्ड करने के बाद इसका जो फील है ना गाइस, वो बजट के हिसाब से आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपको फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन का फील देगा ये पकड़ने के बाद, और मुझे नहीं लगता इस प्राइस में कोई और फ़ोन आपको इस लेवल का फील दे सकता है। तो मेरे हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से आपको इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहिए विदाउट एनी डाउट। डिज़ाइन के बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो गाइस, आपको पता ही है इसमें एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है बेस्ड ऑन MIUI 10। जो मेरे डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि जब आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे जो MIUI के इंटरफेस में एड्स आती हैं वो थोड़ा अनोइंग सी लगती हैं। फाइल मैनेजर के अंदर एड्स आती हैं वो भी थोड़ा अनोइंग सा लगती है। अदरवाइज जो MIUI है वो बहुत फास्ट है, बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में। फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत फास्ट है, फेस अनलॉक भी बहुत फास्ट है इस फ़ोन का। गाइस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कैमरा की। जैसे कि आपको पता है कि इसका कैमरा ने जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था, 48 मेगापिक्सल का जी इसका रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, ये वो सब कुछ। एक्चुअल बात बताऊँ, 12 और 48 मेगापिक्सल के वाले कैमरे में ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हल्का सा डिटेलिंग में आप कह सकते हो थोड़ा अंतर है, लेकिन आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे ड्रॉबैक वाली बात यहाँ पे ये है कि जब वो 48 मेगापिक्सल से फ़ोटो खींचते हो तो उसका साइज़ जो है वो 10 से 15 MB तक जाता है, जो आपकी ऑब्वियसली फ़ोन की मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 12 मेगापिक्सल वाले को ही यूज़ करें, क्योंकि 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है, पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। डे लाइट सैंपल्स भी आप देख सकते हो कितने अच्छे आए हैं, पोर्ट्रेट सैंपल्स भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पोर्ट्रेट शॉट्स ये निकाल के देता है, एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया करता है। ये आप देख सकते हो नाइट शॉट्स और लो लाइट शॉट्स भी आप देख सकते हो। लेकिन जो इस फ़ोन की सबसे क्रिएटिव बात है वो है इसका नाइट मोड। नाइट मोड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब आप एक इमेज को नाइट मोड ऑन करने के बाद क्लिक करते हो। गाइस, अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो फ्रंट आपको सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो एक डिसअपॉइंटिंग सी बात है फॉर सेल्फी लवर्स। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा भी है कि सेल्फीज़ जो हैं वो इस फ़ोन की इतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो भी था, उसकी सेल्फीज़ इससे ज़्यादा अच्छी आती थी, डिटेलिंग्स कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अगर मैं ओवरऑल कैमरे की एक बात करूं तो डायनामिक रेंज को लेके हमेशा से MI के फोन्स में थोड़ी प्रॉब्लम रही है, जो कि इस फोन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, इसके बाद विदाउट एनी डाउट बात आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छी है इस फ़ोन की। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का जो प्रोसेसर मिलता है, वो गेमिंग की अगर मैं बात करूं, डे टू डे लाइफ में जो हम स्विचिंग करते हैं ऐप्स के बीच में, रैम मैनेजमेंट की बात करूं, रैम मैनेजमेंट तो इस फ़ोन की बहुत 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 अच्छी है। जितनी भी ऐप्स आप ओपन करके रखते हो उसको वापस से स्विच करके देखोगे तो वो उसी ही कंडीशन में वहाँ पड़ी होगी, बिल्कुल ईजिली ओपन हो जाती है। और यहाँ पे आपको पबजी खेलते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन पबजी खेलते समय इसमें जो आपको हाईएस्ट सेटिंग मिलती है वो मिलती है HD ग्राफिक्स में हाई फ्रेम रेट के साथ। और अगर आप उस सेटिंग्स में खेलोगे तो आपका फ़ोन हीट ज़रूर करेगा। और मैंने आपको पबजी रिव्यू में भी बताया था कि जो अप टू जो इसका टेम्परेचर गया था 41.2 डिग्री सेल्सियस गया था, जो कि डरने वाली बात तो नहीं है, बट मैंने सोचा आपको बता देता हूँ कि हल्का सा हीटिंग इशू आपको इसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है बैटरी की, कि डे टू डे लाइफ मुझे कितना बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। सो फ्रेंड्स, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर तो नहीं मिलता। इसको चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं अगर एक बार ये पूरा ड्रेन हो जाए। 0 से 100% करने में आपको एटलीस्ट 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे।
उसके बाद फुल चार्ज करने के बाद अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो उस केस में आपको 1.5 से 2 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर यूज़र हो, बहुत ज़्यादा 5 से 6 घंटे यूट्यूब देखते हो, उसके अलावा आप गेमिंग करते हो, तो उस केस में 1 दिन आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जहाँ पे आपका जो बैटरी बैकअप है वो 0% तक ड्रेन हो जाएगा। सो हार्डकोर यूज़र्स के लिए 0.75 से 1 दिन तक का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, नॉर्मल यूज़र्स के लिए 1.5 से 2 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से इस बजट सेगमेंट में 4000 mAh बैटरी के साथ ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इससे पहले मैं 5000 mAh का फ़ोन यूज़ करता था, Asus Zenfone Max Pro M2, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बैटरी का इसमें देखने को मिला है। सो गाइज़, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कॉन्स की जो मुझे इस फ़ोन में कमियां लगी। मैं चाहता था कि इस फ़ोन में अगर मुझे वो चीज़ें भी मिल जाती तो मैं बहुत अच्छा फील करता। सबसे पहली चीज़, ट्रिपल स्लॉट। मुझे इसमें एक्सटर्नल SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता, आपको या तो 2 सिम्स या 1 सिम एक कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे इसमें देखने को मिला वो ये है कि जब आप एक भीड़ वाले इलाके में आप किसी कॉल को रिसीव करते हो तो उस केस में आपको फुल वॉल्यूम करनी पड़ेगी, फिर भी आपको थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होती है कॉल को सुनने में, जो इतना बड़ा इशू तो नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा साइड पे जाना पड़ता है जहाँ पे थोड़ी कम आवाज़ हो, बाहर का शोर कम हो, तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तीसरी कमी जो मुझे इस फ़ोन में लगी वो है इसके कैमरे के बम्प को लेके। मुझे बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि इसका कैमरा कहीं नीचे लग तो नहीं रहा। ऑल्दो मैंने इसके लिए ये केस ख़रीदा है, ये मुझे लोकल मार्केट से 50 rupees का मिला है, तो इस केस को जब मैंने इस पे लगाया तो मुझे प्रोटेक्शन मिल गई, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े हाइट पे हैं जिसके कारण ये बम्प बच जाता है, तो मैं थोड़ा सेफ फील करता हूँ। बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको कैमरा बम्प को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है और आप इसका ज़्यादा ध्यान रखोगे ऑब्वियसली। और एक ड्रॉबैक की तो मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, जो कि MIUI के इंटरफेस में आने वाली एड्स हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहली चीज़, ट्रेंड के हिसाब से फुल सेटिस्फाई करता है ये फ़ोन, क्योंकि इसमें टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली 1 साल भी अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल नया नया फील करवाएगा ये फ़ोन, क्योंकि टाइप सी का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। दूसरी चीज़, IR ब्लास्टर। आप इस फ़ोन को एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस, जैसे ACs के लिए, TVs के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तीसरी खास बात मुझे जो इसमें लगी वो है लुक एंड फील, मैंने आपसे पहले ही बात की। सो यही है ओवरऑल बातें नोट 7 प्रो की। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आया होगा कि क्या आपको इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, डे टू डे लाइफ में आपकी सारी चीज़ें आपको स्मूथ चाहिए, तो उस केस में ये फ़ोन ख़रीदना बिल्कुल जायज़ है, विदाउट एनी डाउट आपको उसको ख़रीदना चाहिए। परफॉर्मेंस भी अगर आपका मेन एस्पेक्ट रहता है तो उस केस में भी ये अच्छा फ़ोन है। कैमरा भी अगर आपका मेन एस्पेक्ट रहता है तब भी अच्छा फ़ोन है। लुक्स अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है उस केस में तो यही प्रेफरेबल डिवाइस है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तो हम जैसे यूट्यूबर क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलेगी तो और अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन द एंड आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।